हेलो स्टूडेंट्स और एजुकेशन ट्रेनिंग में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। और हम लोग शुरू करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो शुरू करते हैं। एक्ट वन सीन वन, एंटर एंटोनियो सेलेरिनो एंड सेलानी। एंटोनियो, इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, इट वियरीज मी, यू से इट वियरीज यू, बट हाउ आई कॉट इट, found it or came by it, what stuff it's made of, whereof it's born, am to learn, and such a want with sadness of me that I have much ado to know myself. तो एंटोनियो यहाँ पे अपने मतलब पहला ही डायलॉग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है, तो इस डायलॉग का एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंटोनियो यहाँ ये कह रहा है, आई डू नॉट नो वाई आई एम सो सैड, आई एम सिक ऑफ दिस सैडनेस, You say it makes you tired, but I do not know how I caught it, how I found it, or even got it. I still have to find out what thing it is made of and from where it is born. This sadness makes me so foolish that I have a great difficulty in knowing or understanding myself. बहुत ही important dialogue है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा students. सेलेरिनो बोलते हैं, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन, देयर वेयर योर रिच आर्गोसीज विद पोर्टली सेल्स लाइक सिग्नल्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड, और एज इट वर द पिजन्स ऑन द सी डू ओवरपीयर द प्रिटी ट्रैफिकर्स दैट कर्टसी टू देम रेवरेंस एज दे फ्लाई बाय देम विद देयर वीवन विंग्स। सेलेरिनो यहां बोलता है, यू आर थिंकिंग अबाउट द ओशन, Your thoughts are there where your big ships with grand sails are sailing in the sea. These big ships of your lower above small ships engaged in pretty traffic. These small ships show respect to them by bowing and saluting when they pass by them, just as the nobles and wealthy merchants walk proudly when they pass through the crowd of common people in street. Your ships present are very impressive spectacle on the sea. तो यहाँ पे basically हो ये रहा है कि एंटोनियो पहले ही एक्ट वन सीन वन पहला ही डायलॉग एंटोनियो का था। एंटोनियो एक सैडनेस में, एंटोनियो को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों सैड है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी सैडनेस का रीजन क्या है, कहाँ से उसको ये सैडनेस मिल गई, क्यों मिल गई, और इस सैडनेस के चक्कर में वो एक खुद को फुलिश की तरह फूल कर रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है अपने आप को ये समझने में। और यहाँ पे बेसिकली सेलेरिनो जो कि एंटोनियो का फ्रेंड है, वो यहाँ पे मतलब रीजंस दे रहा है कि तुम्हारी सैडनेस का कारण क्या है। वो कहता है कि तुम सैड इसलिए हो, तुम अपनी शिप की वजह से सैड हो, तुम्हारा दिमाग ओशन पे है, तुम्हारा थॉट अपनी शिप्स पे चल रहा है कि तुम्हारी शिप्स अभी तक, क्योंकि तुमने अपना बेसिकली है ये कि एंटोनियो ने अपना सारा पैसा अपनी शिप में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वही सेलेरिनो बोल रहा है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी शिप्स पे चल रहा है कि तुम्हारी शिप्स वहाँ हैं और तुमने अपना सारा पैसा उस पर इन्वेस्ट करके रखा है ये सब। और वो यहाँ पे बताता है कि देखो तुम्हारी शिप्स इतनी बड़ी हैं कि जो छोटी शिप्स हैं वो तुम्हारी शिप्स को रास्ता दे देती हैं जाने का, रिस्पेक्ट शो करती हैं तुम्हारी बड़ी शिप्स के लिए, और वो खुद ही साइड हट जाती हैं ताकि तुम्हारी बड़ी शिप पहले खुद आगे जा सके। जैसे कि कोई नोबल पर्सन, जब कोई वेल्दी मर्चेंट जा रहा हो तो कोई नोबल पर्सन क्या करता है, मतलब कोई अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आप पुराने टाइम में देखिए राजा वाजा कोई कहीं से निकलता था तो उसकी जितनी भी प्रजा होती थी वो साइड होके खड़ी हो जाती थी और राजा के जाने के लिए मतलब रास्ता बना देती थी। वो ठीक वैसे ही कहते हैं कि जैसे किसी के सम्मान में लोग झुक करके खड़े हो जाते हैं, उसके लिए रास्ता बनाते हैं कि वो जा सके, ठीक उसी तरह जो छोटी नाव है, जो छोटी नाव है जो समुद्र में चल रही है, वो तुम्हारी इन बड़ी शिप के लिए एंटोनियो जगह बना देती है ताकि वो जा सके। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी शिप के रिस्पेक्ट में ये कर रहे हैं। इसके बाद सेलेरिनो भी इसमें बोलते हैं, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड, आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, फियरिंग मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड फायर्स एंड रोड्स and every object that make me feel misfortune to my ventures out of doubt would make me sad. तो यहाँ पे सेलेरिनो बेसिकली ये बोल रहे हैं, बिलीव मी सर, मुझ पर भरोसा कीजिए, अगर मेरा बिजनेस आपकी तरह होता, आपका बिजनेस जितना रिस्की है
तो मेरा जितना भी ग्रेटर पार्ट है, मतलब जितना भी मेरा ध्यान है, मेरी फीलिंग्स है, मेरे थॉट हैं, सब कुछ मेरी शिप्स की उन सेफ्टी पे लगे रहते हर टाइम। और कोई भी ऐसा मतलब समुद्री तूफान या समुद्र में कोई भी बड़ा पत्थर या कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरी शिप को नुकसान हो सके या मेरी शिप खराब हो सके, उसी पे मेरा दिमाग हर समय लगा रहता। मैं हर समय क्या करता, मैं घास तोड़ता, घास को हवा में फेंकता और देखता कि वो घास किस तरफ जा रही है, ताकि मुझे हवा की दिशा पता चलती कि ये हवा की दिशा भले ही मतलब मेरी शिप्स के लिए फेवरेबल है कि नहीं है। और बेसिकली यहाँ पे वो एंटोनियो को ये लोग कंफर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम अगर वरीड हो, तुम परेशान हो, तो बिल्कुल सही हो, क्योंकि तुमने अपना पैसा सब वो अपनी शिप्स इन्वेस्ट कर रखा है, और कोई भी अगर तुम्हारी जगह होता तो वो परेशान ही होता। और वो यहाँ पे मतलब इसी तरह एंटोनियो को कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सेलेरिनो बोलते हैं, माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ वुड ब्लो मी टू एन आर्ग्यू व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट माई डू एट सी। I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats, and see my wealthy Andrew duck in sand, wailing her high top lower than her ribs to kiss her burial. Should I go to church and see the holy edifice of stone, and to bethink of me straight of dangerous rocks, which touching but my gentle vessel's side would scatter all her species on the stream, enrobe the roaring waters with sills. In a word, but even now worth this, and no worth nothing. Shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing be hand would make me sad? But tell me not, I know Antonio is sad to think upon his merchandise. Celerino bolte hain, if my ships laden with goods were at sea, my own breath cooling my soup would make me tremble with fear caused by the thought that a storm at sea might do great harm to my ships. सेलेरिनो यहाँ बोल रहा है कि अगर मेरी शिप में इतना महंगा महंगा सामान होता, richly laden होता एकदम, तो आप ये समझिए, my wind cooling my broth, मतलब मेरे मुंह से निकली हुई हवा जो सूप मैं पी रहा हूँ, जब उसको वो ठंडा कर सकती है इतने गर्म सूप को, तो उसी तरह मैं ये सोच करके डर जाता कि जो तेज तूफान चल रहा है समुद्र में, वो मेरी शिप का क्या हाल कर सकता है। इफ आई वुड सी द सैंड रनिंग आउट ऑफ द आर ग्लास, आई वुड थिंक ऑफ द शैलोज वाटर्स एंड सैंड बैंक्स, and would bring before my eyes the sight of my richly laden ship. Andrew struck in sand, capsizing with laden ship, and Andrew stuck in sand, capsizing its sails and mast, plunging low and getting buried in the sand, while the slides of the ship stood above. अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं basically कि वो जो sandy hourglass होता है, मतलब अगर पुराने time की अपनी घड़ी देखी हो तो रेत वाला होता था, एक तरफ से दूसरी तरफ रेत गिरती थी तो एक पहर उनको पता चला समय हो गया, फिर वो पलट के रख देते फिर गिरती थी। तो वही कह रहा है कि जब मैं वो सैंडी आर ग्लास को देखता तो मुझे बार बार जो शैलोज एंड फ्लैट जो कि ओशन में प्रेजेंट है उनकी मुझे याद आती, और मुझे लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ है जहाँ पे मेरी शिप फंस जाए, मेरी शिप धस जाए या दब जाए समुद्र में वो चीज़। उसके बाद वो कहते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन, मतलब चर्च की बिल्डिंग में वो जो स्टोन होता है, वो कह रहे हैं कि मैं उसको देख करके भी डर जाता, द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन, क्यों, क्योंकि वो मुझे उन रॉक्स की, उन पत्थरों की याद दिलाता है जो कि समुद्र में है, और अगर उनसे मेरी शिप स्ट्रक हो गई तो मेरी शिप वहीं डूब सकती है और उसी समुद्र में दफन हो जाएगी नीचे, और इतना महंगा महंगा सामान जो कि मेरी शिप में था, जिसकी वर्थ इतनी ज़्यादा थी एक मिनट में, भीगने के बाद अब उसकी वर्थ कुछ भी नहीं रह जाएगी, तो ये ख्याल सोच करके ही मैं डर जाता हूँ। तो आई होप आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा, वीडियो छोटी रख रहा हूँ ताकि आप थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखो, आपको इससे समझ में आए, और इसलिए कह रहा हूँ नोटिफिकेशन बेल को दबाओ ताकि आप नोटिफाई होते रहो। ये वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।